नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, और हाँ, मुस्कुराने के साथ साथ थोड़ा बहुत हंस भी लीजिए। अरे हाँ, हंसने से एक बात याद आ गई। जब हम हंसते हैं दोस्तों, तब हमारी बत्ती सी दिखती है, मोती सी। ये जो हमारे दांत है ना, ये सेहत और सुंदरता का एक आईना है। हमारे दांत जितने ज़्यादा आकर्षक होते हैं, उतनी ही सुंदर होती है हमारी स्माइल, है ना? तो चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ हमारे दांतों और उसमें होने वाले संक्रमण के बारे में। कहते हैं, दर्द कोई भी हो, तकलीफ होती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बर्दाश्त के बाहर होते हैं। इनमें से दांत का दर्द भी एक है। शहरों में जंक फूड और जीवन शैली और कुछ गलत आदतों के कारण दांतों में समस्याएं हो रही हैं। दांत का दर्द या दाढ़ दर्द भी इन्हीं में से एक है, जो बहुत ही भयानक व सहा न जाने वाला दर्द होता है। बता दे कि दांत दर्द में आमतौर पर दांत संवेदनशील हो जाते हैं। दांत में कैल्शियम और विटामिन B6 की कमी होना, खट्टा, ठंडा, गर्म चीज के सेवन से तुरंत दांत दर्द शुरू होने लगता है। कई बार तो ये इतना तकलीफ देह होता है कि व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता पर भी असर डाल देता है। दांत एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी प्रिवेंटेबल बीमारी है। प्रिवेंटेबल मेरा इसका कहने का है कि इसमें दो कारण होते हैं। पहला है कि हमारे मुंह में हमेशा कीटाणु है, हमेशा है, और कीटाणु की वजह से कीड़ा कभी नहीं लगता है। जो कीड़ा हम बोलते हैं, डेंटल केरीज या कीड़ा बोलते हैं, वो कीटाणु की वजह से नहीं है। वो क्यों होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जब खाना खाते हैं, वो खाना वह रह जाता है, स्पेशली कोई चीज़ हो गया, बर्गर्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गई, चॉकलेट्स हो गए, वो वहाँ सटक के रह जाता है। और जब ये पदार्थ आपके दांतों में 8-10 घंटे ओवरनाइट रह जाए, रात भर रह जाए और सफा ना करे, तो ये सुबह तक वो कीटाणु उसको खाकर एसिड प्रोड्यूस करते हैं, या एसिड जिसको हम बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा। ये जो एसिड होता है, ये बीमारी करता है डेंटल केरीज की, और उसको खाता है, दांत को खाता है, जिसको हम बोलते हैं कीड़ा लग जाना या डेंटल केरीज होना। गौरतलब है कि वयस्कों के अलावा दांतों की समस्याएं बच्चों में भी आम होती हैं। बहुत अधिक चीनी खाने या स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ भी दांतों के क्षय का कारण बन सकते हैं, क्योंकि चीनी लार में जीवाणुओं के साथ प्रतिक्रिया करके एसिड बनाती है, जो दांतों के एनामल को नष्ट कर देता है। गौरतलब है कि मुंह में लगभग 700 किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में होती है। यही बैक्टीरिया दांतों और मुंह को बीमारियों से बचाते हैं। अगर मुंह, दांत और जीभ की सफाई ठीक से ना की जाए, तो ये बैक्टीरिया दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। दांतों की मुख्यतः समस्याएं दंत क्षय या दांतों में कीड़ा लगना, मसूड़ों के रोग, दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना, मुख का कैंसर होना या दांत घिसना, यही कुछ एक समस्याएं हैं जो अक्सर देखने में आती हैं। कई बार दांत इतनी संवेदनशील होते हैं कि गर्म चाय पीने और ठंडी आइसक्रीम खाने के ख्याल से ही आपको घबराहट होने लगती है। कई बार तो पायरिया होने पर मसूड़ों से मवाद आना शुरू हो जाता है। पायरिया, जैसे मैंने कहा, एक मसूड़ों की बीमारी है, और ये करीब करीब 18 साल 16 साल आदमी के वहां से शुरू हो जाती है और 80-90 साल तक चलती है। कभी छोटे बच्चे में पायरिया नहीं होगा, कभी नहीं होता, ये 15-16 साल के बाद ही शुरू होती है। और इसका मेन कारण, मेन लक्षण होते हैं, पहला कि ये मसूड़ों से खून आना सबसे पहला लक्षण है। मसूड़ों से खून आएगा, ऐसी खून आएगा, ब्रश करते हुए खून आएगा। दूसरा, मसूड़े सूज जाएंगे। तीसरा, बदबू आएगी। चौथा, अगर एडवांस स्टेज चला जाएगा तो दांत हिलने लगेंगे और गिर जाएंगे। इसका मेन इलाज है आपका, जो प्रिवेंटेबल चीज़ है, इलाज तो ऑफकोर्स डॉक्टर करेगा, देख के करेगा उसमें क्या करना है उसने, लेकिन ये प्रिवेंटेबल, जैसे मैंने कहा, और हर एक मरीज के पास, हर एक आदमी के हाथ में एक अगर ब्रश हो और पेस्ट हो और वो क्लीन करे, तो ये बीमारी नहीं होगी। हाल ही में किए गए एक शोध के अनुसार लगभग 95% भारतीयों में मसूड़ों की बीमारी है, और लगभग 50% लोग टूथब्रश का उपयोग नहीं करते,
और 15 वर्ष से कम उम्र के 70% बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं। इसे देखिए, यही तो है हमारे दांत और उसके अंदर के मसूड़े, हमारे चेहरे की खूबसूरती का एक हिस्सा। लेकिन खाने के बाद मुंह की तरीके से साफ सफाई नहीं करने से दांतों में संक्रमण हो जाता है। बता दे, कोल्ड ड्रिंक पीने के कुछ देर बाद चाय, आइसक्रीम या ठंडे पानी का सेवन दांतों पर बुरा असर डालता है, लेकिन आमतौर पर लोग इस ओर ध्यान नहीं देते और जब दर्द बढ़ने लगता है तब अस्पताल पहुंचते हैं। मसूड़ों की बीमारी के कई चरण होते हैं। शुरुआती चरण को जिंजिवाइटिस कहते हैं। इस दौरान मसूड़ों में सूजन आ जाती है और उनसे खून बहने लगता है। खून ब्रश या फ्लॉस करते समय या फिर यूं ही निकल सकता है। इस बीमारी का अगला चरण है परिदंतिका, यानी पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है। पायरिया होता है, पायरिया जो एक रूटीन, एक बोलते हैं हम, एक जनरल टर्म है जो एक आम आदमी बोलता है। इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है इनिशियल फेज, इसको बोलते हैं जिंजिवाइटिस। दूसरा फेज होता है, उसको बोलते हैं पेरियोडोंटाइटिस। तो जिंजिवाइटिस जो होता है वो इनिशियल फेज है, जिसमें आपके दांत से खाली खून आएगा और कोई लक्षण नहीं होगा। ये जब आप ब्रश नहीं करेंगे और ये 6 महीने, साल, 2 साल में एडवांस फेज में चला जाएगा तो उसको हम बोलेंगे पेरियोडोंटाइटिस, जिसमें खून तो आ रहा है, साथ में मसूड़े भी सूज गए हैं, दांत भी हिल रहे हैं और बदबू ज़्यादा आएगी। तो इसको जो एडवांस स्टेज हो जाएगा इसको बोलेंगे हम पेरियोडोंटाइटिस। पेरियो मतलब कि गम्स की बीमारी, डोंट मतलब दांत के आसपास की, और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन या सूजन या ब्लीडिंग, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन होना। तो ये पेरियोडोंटाइटिस इसको कहा जाता है। गौरतलब है कि प्रत्येक दांत के अंदर रक्त कोशिकाओं के साथ नसों का एक गूथा हुआ जाल होता है, जिसे पल्प कहते हैं। पल्प दांतों को पोषण देता है, लेकिन कीटाणु के पनपते ही दांत सड़ने लगते हैं और पल्प में सूजन आ जाती है। फिर रोगग्रस्त पल्प को हटाने के लिए खाली जगह को साफ करके उसे भरा जाता है। जिंजिवाइटिस यानी मसूड़ों में सूजन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है। ये बीमारी किसिंग, खांसी, छींकने और कप या ग्लास से भोजन बांटने के जरिए होती है। जिंजिवाइटिस का पहला लक्षण है कि ब्लीडिंग होना, खून आना मुंह में, वैसे ही खून आएगा या ब्रश करेंगे तब भी आएगा, या कुछ खा रहे हैं तो आ जाएगा। और इसका मेन कारण वही है कि आपने ब्रश नहीं किया हुआ, ब्रश नहीं किया हुआ, ब्रश नहीं किया हुआ। तो इसमें दांतों मसूड़ों के लिए आपने 3 चीज बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपने ब्रश करना है, क्लीन रखना है, क्योंकि स्वस्थ सेहत ही स्वस्थ आपके लिए, स्वस्थ मुंह आपका स्वस्थ सेहत को आपको देता है। तो जैसे हमारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी ये स्लोगन है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो हम बोलते हैं कि बॉडी आपकी अगर स्वच्छ रहती है तो आपकी हेल्थ भी स्वच्छ रहेगी, आप क्लीन रहेगी और आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। कई लोग कंडे की राख, कोयले के पाउडर, तंबाकू के गुल आदि से दांतों को उंगली से साफ करते हैं। बता दे, इनमें होने वाले छोटे छोटे कण दांतों की ऊपरी परत, जिसे इनामल कहते हैं, उसके घिसने का खतरा होता है। कि जो तो हमारा दांत होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है, जिसको बोलते हैं एनामल, ये सबसे हार्ड लेयर होती है हमारे दांत की, और ये पूरे जिस्म में ये सबसे हार्ड लेयर है, ये हड्डी से भी स्ट्रांग होती है। तो इसको तोड़ना या कैविटी करना इतना आसान काम नहीं है कोई चीज़ का, अनलेस वो एसिड प्रोड्यूस करे जिसको वो खराब करे। तो एसिड हम लोग को बंद करना है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने-माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक, चाहे वो लद्दाख के ऊंचे पहाड़ हों, सुंदरबन के मैंग्रोव के जंगल या चंबल के बीहड़, असम में ब्रह्मपुत्र नदी का कहर या फिर
गुजरात का विशाल रन ऑफ कच्छ। इस देश में किसानों के लिए कदम कदम पर चुनौतियां हैं, पर साथ ही है इनसे निपटने की हिम्मत भी। इसी जज्बे और हिम्मत को दूरदर्शन किसान सलाम करता है और आपके लिए लेकर आया है एक बेहद खास कार्यक्रम चुनौती। देखिए हर शुक्रवार रात 9:30 पर। दोस्तों, तनाव के खतरनाक दुष्प्रभावों से तो आप वाकिफ होंगे ही। बता दूं कि ये तनाव यानी टेंशन आपके दांतों को भी प्रभावित कर सकता है। जी हाँ, इससे दांतों के टूटने या सूजन का खतरा तो बढ़ता ही है, और भी बहुत कुछ होता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दांत किटकिटाने की आदत भले ही जानलेवा ना हो, लेकिन इससे कई तरह की समस्याएं तो पैदा होती ही है। आपकी दांतों की सेहत पर भी बुरा असर होता है। जागरूकता की कमी के चलते ग्रामीण इलाकों में दांतों की समस्या अधिक मिलती है। ऐसा है कि गुस्से के साथ इसका रिलेशन ऐसा है कि गुस्से में हम अनकंट्रोल्ड अपने मसूड़ों को, दांतों को बंद करते हैं, जोर से बंद करते हैं, और हमारे जो मांसपेशियां हैं, जो मैसेटर मसल है या टेरिगॉइड मसल्स हैं या टेम्पोरल मसल है, ये हम जोर से खींचते हैं। ये तनाव में भी होता है, टेंशन में भी होता है और गुस्से में होता है, दोनों में। तो जब ये होगा तो ये हम दांत जोर से बंद करेंगे और अनकंट्रोल्ड बंद करेंगे, तो ये बीमारी हमारे दांत को ब्रक्सिज्म जिसको हम बोलते हैं खा जाएगी, एट्रिशन होगा और जल्दी दांत हमारे खराब हो जाएंगे। ये समस्या एंक्रीनियोफेशियल नर्व को भी प्रभावित कर सकती है। ये एक ऐसी गतिविधि होती है जो हमारी अवचेतन अवस्था में होती है। दोस्तों, हम सब लोग ब्रशिंग की कला बचपन में ही सीखते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि ज्यादातर लोग ठीक प्रकार से ब्रश नहीं करते। जानते हैं क्या है ब्रश करने का सही तरीका। ब्रशिंग के सही तरीके से अवगत होना दांतों की सुरक्षा का पहला कदम है। ब्रश करने के लिए कोई मानक समय नहीं है, लेकिन ऐसी सलाह दी जाती है कि कम से कम 2 मिनट तक ब्रश करें, जिससे मुंह के अंदर की सतह से प्लाक के बैक्टीरिया निकल जाएं। सही टूथब्रश की लंबाई 25.5 से 31.9 मिलीमीटर होनी चाहिए और चौड़ाई 7.8 से 9.5 मिलीमीटर होनी चाहिए। ब्रश आजकल कंपनी जो मार्केटिंग है बहुत अजीब तरह का दिखाती है आके, कि कोई जिगजैग है, कोई ट्रायंगुलर है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। सिंपल एक ब्रश चाहिए, स्मॉल हेडेड चाहिए, और उसके जो ब्रिसल्स हैं, रेशे हैं, वो सॉफ्ट होने चाहिए, हार्ड नहीं चाहिए। और ब्रश करने का तरीका मैंने इसे बताया, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आप ब्रश करें, दोनों टाइम करें। इसमें एक मैं जरूर कहना चाहूँगा, एक आपके लिए एजुकेशन रहेगा, खुद सीखने का तरीका कि आप ब्रश ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपका ब्रश जो है वो 3 या 4 महीने के अंदर खराब नहीं होता और वो बिल्कुल ठीक रहता है, तो आप ब्रश कम कर रहे हैं या बिल्कुल नहीं कर रहे। और अगर यही ब्रश 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने में खराब हो जाता है, तो मतलब आप बहुत स्ट्रांगली ब्रश कर रहे हैं, बहुत फोर्स लगा रहे हैं ब्रश करने के लिए, जिसको आप अवॉइड करें। सो नॉर्मली आपको 1 साल में 3 से 4 ब्रश या हर 3-4 महीने में 1 ब्रश आपको चेंज करना चाहिए। वो ब्रश अपने आप ही खराब हो जाएगा, उसके जो ब्रिसल्स होंगे स्प्रे हो जाएंगे और आपको वो फेंक देना है और नया ब्रश के साथ वापस करना है। लगातार दवाइयां लेते रहना, जिससे शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। वायरल इन्फेक्शन, तनाव, डायबिटीज या शुगर का ज्यादा बढ़ना, ज्यादा शराब पीना, तंबाकू का सेवन करना और गर्भावस्था के दौरान हार्मोन में गड़बड़ी होना भी हो सकता है। जो हमारा ह्यूमन सिस्टम है, एक बॉडी जो है, अगर इसमें कोई भी पुर्जा, चाहे वो दांत हो, चाहे वो मसूड़े हो, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, किडनी हो, हाथ पैर, कुछ भी चीज हो, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो जो आउटपुट है डिजायर्ड उस ह्यूमन बॉडी से, उस ह्यूमन सिस्टम से, वो ठीक नहीं होगा। और जब ह्यूमन सिस्टम ठीक नहीं रहेगा तो डिजायर्ड आउटपुट नहीं रहेगी। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसके दांत में दर्द हो रहा है तो वो स्कूल नहीं जाएगा, या कोई ऑफिस जाने वाला आदमी है, उसके दांत में या मसूड़े से खून आ रहा है तो उसको हमेशा चिंता रहेगी और वो ऑफिस नहीं जाएगा। जाएगा भी तो हमेशा ये सोचता रहेगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ। उसका डिजायर्ड आउटपुट जो होगी, उसका फंक्शन होगा, वो अपना काम नहीं कर सकेगा। डिजायर्ड फंक्शन करेगा लेकिन आउटपुट पूरी नहीं आएगी।
तो इसी के साथ ये बहुत जरूरी बनता है कि हम अपने ह्यूमन सिस्टम को, जिसका पार्ट एक दांत है, मसूड़ा है या ओरल कैविटी है, उसको हम ध्यान से रखें। प्रसव के बाद भी माँ की चुनौती कम नहीं होती। नए मेहमान के आने से जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो उस वक्त होती है जब बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं। आपको तो मालूम ही होगा आखिर क्या है बच्चे के दांतों की पहली समस्या। बच्चा जब 6 महीने का होता है तब उसके दांत निकलने शुरू होते हैं। कुछ बच्चों के दांत 4 से 5 महीने में ही निकलना शुरू हो जाते हैं। बच्चे इस समय बहुत परेशान रहते हैं, बहुत रोते हैं। जब दांत मसूड़ों से निकलता है तो असहनीय दर्द होता है। ऐसे समय बच्चों का मन कुछ चबाने का करता है। कभी कभी दांत निकलते समय बच्चों को उल्टी या डायरिया भी हो जाता है। आमतौर पर दांत निकलते समय बुखार नहीं आता, लेकिन यदि दर्द अधिक हो तो बुखार आ सकता है। बच्चों की जो सबसे अक्सर समस्या रहती है, क्योंकि बच्चों के जो दांत हैं वो 6-7 महीने में पहला दांत आता है, और अक्सर माताएं जो है वो कहती हैं कि बच्चे के दांत आ रहे हैं तो इनको दस्त लग गए हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा कारण नहीं है कि दांत आएं और साथ में उसके दस्त लग जाएं, पर अक्सर क्या होता है कि जब बच्चे के दांत आ रहे होते हैं तो बच्चे के मुंह से लार निकलती है और बच्चा कोई भी वस्तु जो है मुंह में डालना चाहता है, क्योंकि उसको शायद जो मसूड़े हैं उसमें खुजली हो रही है या उसमें कुछ थोड़ा सा पेन हो रहा है, क्योंकि दांत जो है हड्डी से निकल के धीरे धीरे जो है जो मसूड़े हैं उसमें से निकल के माउथ में आना चाहते हैं, मुंह में आना चाहते हैं। तो ऐसी अवस्था में ऐसा भी देखने में आया है कि जो बच्चे जो दूसरी चीज़ें मुंह में डालते हैं उससे जो है एक इन्फेक्शन हो जाती है और उससे दस्त लग जाते हैं। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार, देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। दोस्तों, आजकल दांतों की सफाई का एक पैटर्न चल पड़ा है जिसे रूट कैनाल थेरेपी कहते हैं। आइए जानते हैं इस थेरेपी की कुछ जरूरी बातें। रूट कैनाल थेरेपी आज बहुत आम है और ये एक प्रोसेस है दांतों की सफाई और उनको बचाने का। आज का खान पान ऐसा है कि छोटे बच्चों के दांत भी अपनी चमक और शक्ति खो रहे हैं। अब खराब दांत या टूटे हुए दांतों को भी ठीक किया जा सकता है। इस ट्रीटमेंट को रूट कैनाल थेरेपी कहते हैं। रूट कैनाल थेरेपी एक जो एक ट्रीटमेंट है जिसको हम रूट के जो कैनाल्स होते हैं, जो दांत में जो कैनाल्स हैं जिसको हम बोलते हैं नस, वो जब खराब हो जाती है, उसे पस पड़ जाता है या एक्सपोज हो जाती है, तो उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसी लिए इसका नाम रखा गया है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो जितने भी कैनाल्स होंगे, चाहे वो दांत में एक कैनाल हो, चाहे दो हो, चाहे 3, 4, 5 हो, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ट्रीटमेंट करके उनको क्लीन किया जाएगा, जो भी नस जो खराब है, जो पस पड़ी हुई है, उसको निकाला जाएगा। जब वो क्लीन हो जाए केनाल, तो उसको प्लास्टिक एक नस होती है, उसको बोलते हैं गटा पर्चा, वो लेके हम उसको भर देंगे, उसको सील कर देते हैं, और ये दांत फिर एक स्टेराइल दांत हो जाता है। इसका एक कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, नॉन वाइटल टूथ है,
लेकिन ये दांत वो रह जाता है जिस्म में, और अगर इसको देखा जाए तो ये फंक्शन में भी रह सकता है लेकिन ये बहुत ब्रिटल होता है। तो इसके बाद आपको जो भी आप खाना खा रहे हैं आपको मेक श्योर करना है कि आप नरम चीज़ लें, बहुत सख्त चीज़ उसके साथ ना खाएं, और नहीं तो यह दांत टूट सकता है। क्या आप चाय या कॉफ़ी के बिना नहीं रह सकते? इसके बिना शायद आपका काम करना भी मुहाल हो जाए, है ना? लेकिन दांतों पर इसके असर को कम करने के प्रयास तो किए ही जा सकते हैं, तो आइए बताती हूँ इसके लिए क्या करें। गौरतलब है कि चाय अथवा कॉफी में टैनिक एसिड होता है। ये एसिड गाढ़ा रंग बनाने में उपयोग होता है। ये एसिड दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचाकर दांतों को भूरा रंग दे सकता है। अगर आप आइस कॉफी या टी पीना पसंद करते हैं तो अच्छा रहेगा कि इनके सेवन के लिए स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें। खाद्य पदार्थ तो आपने लेना ही है और सही तरीके से लेना है। अगर कोई भी चीज़ आप ज़्यादा लेंगे तो ये बीमारी कॉज करेगी, जैसे चाय हो जाए या कॉफ़ी हो जाए या कोल्ड ड्रिंक्स हो जाए ये, या फिर पेस्ट्रीज हो जाए, पिज़्ज़ाज हो जाए, कोई भी चीज़ जो आपके एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करे, या फिर ऐसा हो कि वो दांत से सटक जाए और जो भी कीटाणु है उसके ऊपर रिएक्ट करके एसिड प्रोड्यूस करें, तो आपके मुंह की बीमारी और फैलेगी, चाहे वो दांत की हो चाहे मसूड़ों की हो। दोस्तों, चलते चलते बस इतना ही कहूंगी, कोशिश कीजिए कि आपकी सांसों से बदबू ना आए, और स्माइल करे तो आपकी दांतों को देखकर लोगों को कहना ही पड़ जाए कि वाह क्या दांत हैं, क्योंकि दांत सुंदर होंगे तो मुस्कान भी सुंदर होगी, और मुस्कान ही तो है जो एक दूसरे के बीच प्यार को बढ़ाती है, तो मुस्कुराइए ना। अब मैं चलती हूँ इसी मुस्कुराहट के साथ, फिर मिलूंगी अगले सप्ताह और पूछूंगी कैसे हैं आप। नमस्कार।